हमारा एक मित्र था, वो हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग जाते थे समोसा खाने, ठीक है, जैसे कॉलेज में कभी कभार जाते थे। समोसा मिलता था धनबाद में 3 रुपए का, ठीक है। तो अब क्या होता था कि 10 रुपए में आते थे 3, ठीक है, 10 रुपए में 3 आते थे, 1 रुपए बच जाता था। तो जब भी हम लोग समोसा खाते थे ना, तो कभी वो उनको 10 रुपए देता था, कभी वो 20 रुपए देता था, कभी वो 50 रुपए दे देता था, कभी वो देता ही नहीं था, तीन तीन चार चार दिन तक दिया नहीं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, एक दिन बहुत सिंपल सा हिसाब हुआ, दो समोसे, एक समोसा उसने, एक समोसा मैंने खाया, 6 रुपए थे उसके पास। मैंने कहा दे दो यार 6 रुपए, तो उसने कहा कि 10 रुपए देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों, कह रहा अभी समझोगे नहीं तुम, ठीक है। तो जैसे ही उसने 10 रुपए दिया ना, तो उसने कहा कि भैया यार आप कैसे पैसा देते हैं हमको समझ नहीं आता है। मैं उस समझे समझा इस बंदे ने क्या किया है, इतने इतने दिन जाके वो खा के आ जाता था, कहता अरे भैया वो हिसाब चल रहा है ना उसी में, हाँ करते रहिए करते रहिए। वो बंदे ने, ठीक है, वो बंदे ने कभी 10 10 समोसे सबको खिलवा दिए, 10 रुपए दिए, किस दिन एक समोसा खा के 20 रुपए दे दिया। वो खुद तो हिसाब रख रहा था, लेकिन भाई साहब उसका ऐसा हिसाब का चौपट मारा, ऐसा हिसाब का चौपट मारा, समोसे वाले को ये नहीं समझ आ रहा कि हमें लेना था इनको या देना था इनको। जब भी आता था बिल्कुल दोस्ती, और भैया 10 समोसे खिलाओ यार सबको, ठीक है, किसी दिन 10 खिला के 10 रुपए दे जाता था, किसी दिन 2 खा के 40 रुपए दे जाता था। वो अपना हिसाब मेंटेन कर रहा था, लेकिन उस समोसे वाले भैया को ये नहीं समझ आ रहा था भाई इसे लेना है देना है, कितने समोसे का हिसाब क्या है, कहाँ लिखे क्या ना लिखे, ठीक है। तो मैंने जब उसको बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने इस बहुत सिंपल सा बोला कि भाई देखो कि ये है तो बहुत छोटी चीज, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन मैं ऐसे इसलिए करता हूं कि उसका हिसाब ही गड़बड़ा जाए, उसको यही ना ससुरा समझ आए कि भैया हमको लेना था देना था इसको। हाँ, तो कभी किसी के सामने ये ना बोले अरे भैया आपका पैसा बाकी था, वो बोले तो हम कह देंगे भैया उस दिन हमने 2 ही समोसे खाए, 40 रुपए दिए तो थे, काटे नहीं है, तो वो गड़बड़ा जाए उसका पूरा मामला, राइट। तो मैंने वहां से एक चीज समझी, ठीक है, कि हाँ ये बहुत अच्छी सीख मिली मेरे को कि भाई साहब अगर कहीं समोसा खाना है और लंबे समय तक खाना है, अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे है ना, तो वहां पर इस प्रकार की मित्रता करने की एक बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, कभी आपके पास पैसे हो या ना हो, ठीक है। तो उसका हिसाब ऐसा कर देना सेकंड ईयर तक आते आते कि फाइनल ईयर में जब आपका जूनियर आके आपसे पार्टी मांगे आपको टेंशन ना हो।